हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट। मैंने जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट करी है फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम जहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ 3 से 4 वीडियोज अपलोड कर दिए, तो आई टिप पे जाके मेरे पुराने वीडियोज आप देख लीजिए, देन आप इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। प्लस मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने बोला था कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मैं आज उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। प्लस 2 क्वेश्चन और आपको मैं देने वाला हूं। तो स्टूडेंट यहां पे आई टेप पे देखिए, देन उसके बाद आप ये पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड फॉर सीएसआईआर नेट और क्वेश्चन देखिए आप, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। गिवन दैट के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 × 2 × 3 × k विच इज द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये पता लगाना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट जैसे अगर आपसे पूछा जाए 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4, है ना। तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन, जैसे 3 फैक्टोरियल पूछे, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 × 2 × 3, जितना फैक्टोरियल वहां तक को आपको 1 से लेके मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल, राइट। तो वो बोला यहाँ पे, है ना। अब आपसे पूछा है 2 फैक्टोरियल की पावर 1/2, स्टूडेंट 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 पावर 1/2, राइट। और 1 × 2 का मतलब कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है 2, दैट इज 2 पावर 1/2, क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे हम इसको लेते हैं 4 फैक्टोरियल, स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये होता है, और हम जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 24। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 24 पावर 1/4, क्लियर, हाँ जी। देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, राइट। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है स्टूडेंट, 6, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, है ना, 1 × 2, तो ये आएगा 6 पावर 1/3, राइट। देन स्टूडेंट ये भी आता है 6, देन 6/2, जो वैल्यू इजीली निकल रही है वो हम लिख देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इसकी वैल्यू 3 आएगी। हम यहाँ जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.41 के आसपास होती है, दैट इज 1.41। तो ऑब्वियसली आपको लार्जेस्ट पूछा गया है तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि इसकी लार्जेस्ट तो देखा जाए तो 3 ही है ना। अब बात करते हैं इसकी, है ना। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये बी ऑप्शन पकड़ते हैं, फिर इस पे आते हैं ना। स्टूडेंट ये देखते हैं, अब आपको पूछा है यहाँ पे क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट पूछा है, क्या पूछा है, क्यूब रूट पावर 1/3, है ना, मतलब क्यूब रूट पूछा है। तो स्टूडेंट 6 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब है, तो ऑब्वियसली 8, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2³/3, ऑब्वियसली ये थोड़ा इससे बड़ा आएगा, ऑब्वियसली बड़ा आएगा ना, है ना। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, है ना, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 से छोटी है, तो भैया ये तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, क्लियर है। अब इसको देखिए आप स्टूडेंट 24, अब ये पावर 1/4 है, मतलब फोर्थ रूट है, है ना, वो क्यूब रूट था, ये फोर्थ रूट है। अब आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मतलब पावर 4 इसके आसपास है। तो स्टूडेंट 2 का जो पावर 4 होता है वो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 and 8 × 2 = 16, है ना। तो हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 पावर 1/4, पर हम जानते हैं स्टूडेंट यार इसकी वैल्यू इससे थोड़ी बड़ी होती है, है ना, क्योंकि ये तो 16 है और ये 24 है। पर स्टूडेंट अगर मैं देखा जाऊं कि 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 आती है 81, है ना, तो वो इस, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा ना, 2 पावर 1/4 इज ग्रेटर देन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा ये, क्योंकि 16 की पावर 1/4 से ये बड़ा आएगा, और 81 दैट इज 3 पावर 4 1/4 से ये क्या आएगा, छोटा आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, 81 है, अरे 3 की घात 4 कितना होता है, 81 होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 से छोटी आएगी और 2 से बड़ी आएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 2 से इसकी वैल्यू हटाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 और 2 के बीच में आएगा, पर ये तो 3 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा वो यही होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, ये भी 2019 जून में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, खास करके लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट, वही सेम पूछा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सेम पावर बनाने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 × 10, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × क्या आएगा यहाँ पे 5 × 10, स्टूडेंट मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पावर 5 पावर 10, ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारे पास रूल होता है पावर का, है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पावर 5 × 10। स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 32 पावर 10, क्या आएगा ये 32 पावर 10, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ये कितना आएगा हमारे पास 4 × 3 × 10, राइट,
स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये से लिख सकता हूँ इसको मैं 4 पावर 3 पावर 10। स्टूडेंट 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 16 और 4 64, दैट इज 64। तो स्टूडेंट ये आएगा 64 पावर 10। क्लियर है? देन स्टूडेंट इसको पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम 3 4 इंटू 10, राइट। तो स्टूडेंट कितना आएगा, 3 पावर 4 पावर 10। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आता है हमारे पास 81 पावर 10। क्लियर? इसको भी चेक कर लीजिए कितना आएगा स्टूडेंट, 5 पावर 2 इंटू 10। स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 25 या 5 पावर 2, पहले इसको लिख देते हैं सॉरी क्या लिखेंगे अपन इसको, 5 पावर 2 पावर 10, दैट इज इक्वल टू 25 पावर 10। अब आपको बताना पड़ जाएगा कौन बड़ा है, आपसे पूछा है कि विच वन इज द लार्जेस्ट, ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 32 पावर 10 है, यहाँ पे 64 पावर 10 है, यहाँ पे 81 पावर 10 है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ लार्जेस्ट। ओके, सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, और ये CSIR ने 2015 में पूछा गया जून में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, पावर का रूल हमें पता होना चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2। तो जब भी ऐसा आता है तो हमें क्या करना है, इस ऊपर वाली पावर को पहले सॉल्व करना है। तो ये आएगा 2 पावर 2 और ये हो जाएगा पावर 4। क्लियर है? ये 2 पावर 4 हो जाएगा। देन स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जानते हैं ये 2 की पावर 4, तो हम जानते हैं कितना आता है 16, है ना। 2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 2 पावर 16 इज द राइट आंसर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखो सब एक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, 2 पावर मैंने आपको बोला सबसे पहले ऊपर वाली पावर को निपटाते हैं, तो 3 की पावर 4, स्टूडेंट 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, है ना। कितना आएगा ये, 9 और 9 81, है ना। तो कितना आएगा ये, 2 पावर 81। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा यहाँ पे, 3 पावर और ये 4 पावर 2, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई, 16। स्टूडेंट इसको देख लीजिए आप, यहाँ पे कितना आएगा, ये देखो 4 पावर, ये कितना आएगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 4 है, इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 2 पावर 9, राइट। देन स्टूडेंट ये आएगा 2 पावर 18। क्लियर है? इसको चेक कर लीजिए आप स्टूडेंट, ये कितना आएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं पहले इसको निपटा देते हैं, पावर को निपटा देते हैं, फिर बाद में इसको करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4 ही रहने दीजिए, इसको निपटाइए, तो 2 पावर 3 हम जानते हैं 8 होता है ना, 2 पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, राइट। एंड देन 4 है स्टूडेंट, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 पावर 8, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा, 2 पावर 16। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये 2 पावर 16 है, ये 2 पावर 18 है, तो ऑब्वियसली 2 पावर 81 सबसे बड़ा नंबर होगा। ये दोनों तो वैसे भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट, 3 पावर 16 और 2 पावर 81, सो 2 पावर 81 इज द लार्जेस्ट, है ना। तो नो डाउट ये वैसे भी गलत है। क्लियर है? तो इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे गलत है, तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे जस्ट बड़ा होगा 4 पावर 16, भाई बड़ा होता है ना, 3 पावर 16 से 4 पावर 16 बड़ा होता है। 4 पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 पावर 16, इसमें आएगा 2 पावर 32, है ना। तो ये आएगा 3 पावर 16 इज ग्रेटर देन 2 पावर 32, तो 2 पावर 32 3 पावर 16 से बड़ा है, तो 3 पावर 81 तो वैसे भी बड़ा होगा, तो ये इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्सो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई पावर माइनस वन और एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। आपको ये दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि इसकी वैल्यू निकाले क्या होगी। तो स्टूडेंट आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले यहाँ पे देखो ये एक्स वाई जैसे ही है, तो यहाँ पे एक्स और वाई रख दीजिए, पहले इस ऑपरेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ करता हूँ, जगह यहाँ पे अच्छी बनी हुई है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे पकड़ते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स ओ वाई माइनस एक्स डेल वाई, है ना, और यहाँ पे डॉट है और ये आएगा आपके पास एक्स स्टार वाई। क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं अपन, जहाँ पर यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे एक्स की जगह 197 और वाई की जगह 315 रख देंगे, राइट। तो देखो सॉल्व एक्सो वाई, स्टूडेंट एक्सो वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्टूडेंट एक्स डेल वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स स्टार वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई का इनवर्स, एक्स इंटू वाई का इनवर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई का इनवर्स, और स्टूडेंट ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे बीच में, है ना, ये डॉट है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, बाद में निपटेंगे इससे, है ना। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर है ना, माइनस क्या है स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ये स्टूडेंट वन अपॉन एक्स वाई का इन्वर्स है तो नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे जाके एक्स इंटू वाई हो जाएगा है ना, इन्वर्स है तो नीचे जाके एक्स वाई हो जाएगा। स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो बिकॉज माइनस है, स्टूडेंट ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो, स्टूडेंट ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, फोर एक्स वाई, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो फोर एक्स वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया है एक्स वाई, स्टूडेंट ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, फोर के बराबर आएगी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी एलसीएम और जीसीडी पे बेस्ड है स्टूडेंट, एलसीएम जीसीडी पे अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे जो आईटी वाला है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं और कैसे हम एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर राइट। सो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए इंटू बी की वैल्यू इसके बराबर है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऑपरेशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए पावर बी प्लस बी पावर ए राइट। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन टाइप का ही है, तो सुन सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर वो वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, फिर ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे राइट। तो हम सबसे पहले निकालते हैं वन प्लस टू की है ना, तो सुन क्या होता है वन के ऊपर बी पावर आ जाती है, मतलब ए के ऊपर बी पावर आ जाती है और बी के ऊपर ए पावर आ जाती है ना, तो क्या होगा वन के ऊपर टू पावर आ जाएगी प्लस टू के ऊपर वन पावर आ जाएगी। तो सुन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, वन पावर वन वन ही होता है, टू थ्री आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ देखो आप कितना आएगा यहाँ पे थ्री प्लस फोर राइट, तो स्टूडेंट क्या आएगा देखो यहाँ पे थ्री के ऊपर फोर पावर आ जाएगी और फोर के पावर थ्री पावर आ जाएगी ना, अरे यार ये चेंज होता है, ये इसके ऊपर पावर आ जाती है, इसके पावर आ जाती है राइट। तो स्टूडेंट कितना आएगा थ्री की पावर फोर एटी वन और फोर की पावर थ्री, चार को तीन बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सिक्सटी फोर राइट। स्टूडेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा वन फोर्टी फाइव। अब स्टूडेंट ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ और यहाँ रख देते हैं राइट, तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेते, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो हमें किसकी वैल्यू निकाली वन प्लस टू है ना इंटू यहाँ पे कितना आएगा ये वाला ऑपरेशन देन थ्री प्लस फोर राइट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे इसकी वैल्यू रख देते, तो वन प्लस टू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे वन है ना, सॉरी थ्री, इसकी वैल्यू थ्री है, इसकी वैल्यू थ्री है एंड मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू थ्री है देन ये ऑपरेशन देन ये हमारे पास 145 है, इसकी वैल्यू 45, अरे भाई इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। अब स्टूडेंट ये ऑपरेशन यहाँ लगाना आपको पास है ना, अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन लगाना कि इसका ऑपरेशन क्या एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब ये ए और ये बी है, तो इसका क्या करेंगे हम एलसीएम ऑफ क्या आएगा 3,145 है ना प्लस कितना आएगा देखो जीसीडी क्या दे रखा है जीसीडी ऑफ कितना आएगा यहाँ पे 3,145। आपको ये चेक करना है कि 145 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो पाँच और चार नौ और एक दस, दस मतलब दस तीन से डिवाइड नहीं होता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, अगर इसका सम नाइन के बराबर या थ्री का मल्टीपल आ रहा है तो ये थ्री से डिविजिबल होगा राइट। तो ये दोनों को प्राइम है, क्रो प्राइम जब भी को प्राइम होता है तो उसका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा और स्टूडेंट जीसीडी उसका वन आता है हमेशा है ना, जो को प्राइम नंबर होते हैं को प्राइम मतलब जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं ठीक है, तो ये इसको डिवाइड नहीं करता है ना, तो ये इसका एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे पाँच एक बारह तीन एंड ये आएगा चार है ना, स्टूडेंट प्लस वन आएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 436 आएगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछे थे कि इनका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू आर की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो स्टूडेंट वो होता है आर इज इक्वल टू वन, R इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो वन और वन कितना हो रहा है टू होता है राइट, तो ये वन और वन उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये वन और वन उठा के टू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा टू, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीएसआईआर नेट 2015 में पूछा गया है स्टूडेंट, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे यहाँ पे व्हाट शुड बी द एडिट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स एंड दिस नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों नंबर में से क्या हम जोड़े कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन को यहाँ बताना चाहूंगा क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे 9837 13 इंटू 9837 19 ये नंबर दे रखा है राइट। स्टूडेंट इन नंबर में एक चीज देखोगे इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है, देखो आप 13 और 19 से 6 का डिफरेंस आ रहा है, जब भी 6 का डिफरेंस आ रहा है तो उसका आधा कर दीजिए है ना, क्या करेंगे 983716 माइनस 3 कर दूं यहाँ पे एंड 983716 प्लस 3 बिल्कुल जी सही है, देखो इसको जोड़ने पर 13 आएगा, ये 19 आएगा, इसमें आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आएगा देखो ये 983716 का स्क्वायर और ये कितना आएगा स्टूडेंट माइनस का 3 का स्क्वायर
राइट तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 983716 का होल स्क्वायर माइनस का 9। अब ये माइनस का 9 इधर चला जाए, लाइक ये इसके बराबर चल रहा है स्टूडेंट, ये इसके बराबर चल रहा है, तो ये माइनस 9 इधर चला जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 9, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसमें 9 जोड़ने तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। अरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये इसके बराबर चल रहा है, मतलब इसको आप इसके बराबर लिख दीजिए, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको इसके बराबर लिख दीजिए ना, जिसको इसके बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसके बराबर आएगा, राइट, क्या आएगा, मैं एक्चुअली यहाँ लिख देता हूँ, तो 983716 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस 9 आ, तो ये माइनस 9 जब इधर आएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस 9 जब इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा और ये यहाँ से उधर से हट जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 9 करेंगे, 9 जोड़ेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा और यहाँ पे भी ये ऑप्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, राइट। तो स्टूडेंट ये इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन स्टूडेंट ये आपको करना है, 2013 में पूछा गया दोनों क्वेश्चन, चूज द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर चूज करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एलसीएम और जीसीडी पे बेस्ड है, इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। और मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे, और हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर आप आंसर देके मुझे बताते रहिए, और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और अगर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी जो एग्जाम आने वाला है उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दूं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सबके लिए मैं कर रहा हूं, कोई स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट यहां पे मेरे वीडियोस हैं, ये मैं सीएसआईआर नेट के जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रहा हूं। स्टूडेंट ये मेरी एप्टीट्यूड की सीरीज है, ये मेरा नया वाला चैनल जहां पे मैं काम कर रहा हूं। स्टूडेंट अगर आप बीएससी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं या एमएससी से मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, इस चैनल पर आप विजिट कर लीजिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय बाय।